नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE with HSM में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा LDC सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज में कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिखाई देंगे। प्रेस रिलीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्लर्क ग्रेड सेकंड ऑन 29/6/2020 पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। चौबीस छः 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 29/6/2020 को किया जाना है। संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को कार्यालय समय में अंबेडकर भवन निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिविल लाइन जयपुर के कक्ष संख्या 211 में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सत्यापन दलों की सूचना व दस्तावेजों की चेकलिस्ट आदि की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sge.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर विभिन्न जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है। यहाँ हम एप्लीकेशन नंबर, यहाँ हम रैंक, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, DOB, जेंडर एंड कैटेगरी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकारिता विभाग को प्राप्त जो सूची है उसके संबंध में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो अभ्यर्थी अपना नाम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपराधिक प्रकरण नहीं होने की घोषणा जो पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसी के साथ में चेकलिस्ट दी गई है, जिसमें सबसे पहले नाम, इसके बाद में रोल नंबर, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को सेल्फ अथवा शपथ पत्र प्रारूप, विवाहित अथवा अविवाहित संबंधी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, सत्यापन हेतु सेकेंडरी बोर्ड का प्रमाण पत्र, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र फोटो प्रति में सत्यापित होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, TAD, सहरिया, EWS सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, जाति जो प्रमाण पत्र वो देना होगा। इसी के साथ में TAD क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र, जीवित संतान अथवा संतानों की सूची, प्रारूप संलग्न, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, सेवारत होने संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य कोई खेल प्रमाण पत्र हो, यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया हो अटेंशन फॉर्म, पिता का आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी जो प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र, और इसी के साथ में चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज मूल एवं छाया प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित करके उपलब्ध करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष नंबर दिए गए हैं 01410141222019 पर किसी कार्य दिवस से प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और इसी के साथ में यहाँ पर लिपि ग्रेड द्वितीय 2018 अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विभागीय स्तर पर इनके शैक्षणिक व अन्य वांछित दस्तावेजों के सत्यापन हेतु 29/6/2020 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कार्य करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। तो यहाँ नाम अधिकारी और कर्मचारी में पद नाम दिया गया है, नाम लेखा कार्मिक, नाम मंत्रालय कार्मिक और कमरा नंबर 6। तो यहाँ दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी जो समिति है उसका गठन किया जा चुका है, तो हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RVC with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।